पठान अपनी बैलगाड़ी पे अनाज लाद करके शहर की ओर जा रहा था। गांव से थोड़ी ही दूर आगे गया तब तक उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस के गिर गई। वो फटाफट गाड़ी से उतरा और गाड़ी को सीधा करने के लिए कोशिश में लग गया। वहीं पर कुछ ही दूर पे एक पेड़ के नीचे एक राहगीर बैठ के खाना खा रहा था। उसने कहा, अरे भाई आप आ जाओ, खाना खा लेते हैं, फिर हम भी चल के आपका गाड़ी सीधा करवा देंगे, क्योंकि खाना खाते के समय उठा नहीं जाता है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। पठान बोला, नहीं मेरा दोस्त बशीर बहुत गुस्सा हो जाएगा, मुझे सीधा करने, गाड़ी सीधा करके मैं आता हूँ। राहगीर बोला, आपसे गाड़ी अकेला सीधा नहीं हो सकती, उस पर अनाज लदा हुआ है, आप आ जाइए, हम लोग दोनों खाना खा लेते हैं, फिर चल के सीधा कर देते हैं। एक दो बार उसने राहगीर ने कहा उसे, तो पठान ने कहा, आप अगर आप इतना ही जिद करते हैं तो चलिए मैं आता हूँ। पठान ने आया और जम करके खाना खाया दोनों ने, और कहा कि जल्दी चलिए नहीं तो मेरा दोस्त बशीर गुस्सा हो रहा हो। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आप इतना डर क्यों रहे हैं और आपका दोस्त है कहाँ? उसने कहा, वही तो गाड़ी के नीचे दबा हुआ है, इसीलिए तो सीधा कर रहे थे।